बद्रीनाथ मंदिर के पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई इस सीरीज के छठे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक के पिछले सभी वीडियो में हमने बद्रीनाथ मंदिर के नामकरण, बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के विग्रह की स्थापना और मंदिर से जुड़े हुए पौराणिक इतिहास के बारे में बात की है। हमारे लिए जितना जरूरी बद्रीनाथ मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में जानना है, उतना ही ज़्यादा जरूरी है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानना। इसीलिए सीरीज के इस भाग में हम आज बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बात करेंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पर इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इस सीरीज के पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो इतिहासकारों में बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मतभेद बने हुए हैं, जिनमें से कई इतिहासकारों का यह मानना है कि बद्रीनाथ मंदिर वास्तव में एक बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसे बाद में आदि शंकराचार्य के द्वारा एक हिंदू मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अपने बद्रीनाथ प्रवास काल के समय आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए जानते हैं बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए इतिहास के बारे में। उत्तराखंड में जितने भी हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल बने हुए हैं उन सभी की निर्माण शैली में आपको एक समानता दिखाई देती है। वहीं जब आप बद्रीनाथ मंदिर की निर्माण शैली को देखते हैं तो आपको वह उत्तराखंड के बाकी सभी मंदिरों की निर्माण शैली से एकदम अलग दिखाई देती है। इसी वजह से कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि बद्रीनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी में एक बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसे आगे चलकर आदि शंकराचार्य के द्वारा एक मंदिर के रूप में स्थापित किया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के एक बौद्ध मठ माने जाने की संभावना के पीछे का सबसे बड़ा कारण इस मंदिर की वास्तुशैली मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर की वास्तुकला किसी बौद्ध विहार से हूबहू मिलती है, जिस वजह से यह मंदिर किसी प्राचीन बौद्ध मंदिर के समान प्रतीत होता है। अब अगर हम अदर अवेलेबल सोर्स की तरफ ध्यान दें तो हमें बद्रीनाथ मंदिर और आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई थोड़ी और जानकारी प्राप्त होती है, जिसके अनुसार 9वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने इस स्थान पर 6 वर्ष के लिए प्रवास भी किया था। अपने 6 वर्ष के प्रवास काल के समय आदि शंकराचार्य 6 महीनों के लिए केदारनाथ में निवास किया करते थे और बाकी के 6 महीने वह बद्रीनाथ में बिताया करते थे। इन सब के अलावा यहाँ की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ भगवान के विग्रह का निर्माण स्वयं देवताओं के द्वारा किया गया था, जिसे बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा अलकनंदा नदी में फेंक दिया जाता है। इस घटना के कुछ समय के बाद आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ भगवान के विग्रह को दोबारा ढूंढा और तप्त कुंड नाम के गर्म पानी की धारा के पास में स्थित एक गुफा में स्थापित किया, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इस गुफा से भी बद्रीनाथ भगवान के विग्रह को हटा दिया जाता है। इस बार आदि शंकराचार्य के शिष्य रामानुजाचार्य ने बद्रीनाथ भगवान के विग्रह को तप्त कुंड से ढूंढकर तीसरी बार स्थापित किया। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई एक पारंपरिक कथा यहाँ के स्थानीय निवासियों में बहुत प्रचलित है। उस कथा के अनुसार आदि शंकराचार्य ने परमार वंश के शासक राजा कनकपाल के सहयोग से इस क्षेत्र से बौद्धों को बाहर निकाल दिया था। बौद्धों को इस क्षेत्र से बाहर निकालकर राजा कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने मंदिर के प्रबंध को पूरी तरह से संभालकर इसे एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया। बद्रीनाथ मंदिर को एक तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने के लिए गढ़वाल क्षेत्र के राजाओं ने बहुत लंबे समय तक काम किया है, जिसके बारे में हम इस सीरीज के अगले वीडियो में बात करेंगे। आशा है बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी हुई आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक और अनसुनी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।